इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया गया है x3 3y 3 इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट फोर वैल्यूज दिया गया है 7 20 45 88 और फिफ्थ वैल्यू पूछा जा रहा है एक्स के बारे में बोला गया है कि x इज अ कंसीक्यूटिव होल नंबर देखिए आप x जब वन पुट करते हैं तो इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब के जगह पे वन क्यूब प्लस थ्री वाई माइनस थ्री और फर्स्ट फोर वैल्यू जो दिया गया उसका पहला वैल्यू है सेवन तो यहां पे यह का वैल्यू सेवन यहां से थ्री वाई का क्या वैल्यू आ जाएगा सेवन ये माइनस थ्री प्लस थ्री बन जाएगा ये वन क्यूब वन तो माइनस वन तो ये वैल्यू आ गया नाइन तो वाई का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा नाइन बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री मतलब जब X1 तो Y3, अब x तो अब का वैल्यू टू पुट करिए इस एक्सप्रेशन में तो x क्यूब के जगह पे टू क्यूब थ्री वाई के जगह पे थ्री वाई ही माइनस थ्री और सेकेंड वैल्यू क्या है एक्सप्रेशन का दिया गया ट्वेंटी तो इट इज इक्वल टू ट्वेंटी यहां से जब आप y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे थ्री वाई ट्वेंटी है ये माइनस थ्री उस साइड प्लस थ्री बन जाएगा ये टू क्यूब एट तो माइनस एट बन जाएगा राइट साइड में तो 15 आया यहां से y का वैल्यू आ गया 15 बाई थ्री फाइव तो जब x 1 था y 3 x जब 2 पे गया तो y 5 आप ये नोटिस कर सकते हैं कि y जो है वो दो दो करके बढ़ रहा है अगर आपको मन हो तो आप नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हैं इसको कि जब आप एक्स थ्री पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि वाई सेवन आ रहा है तो ऐसे ही एक्स फोर पे y का वैल्यू 9 आ जाएगा मतलब कि जब x का वैल्यू 5 होगा तो y इसी पैटर्न से 11 होगा ठीक है तो अब x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कालेवन पुट करके हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि फिफ्थ वैल्यू क्या है इस एक्सप्रेशन का एक्स इज इक्वल टू फाइव फाइव क्यू वाई इज इक्वल टू इलेवन थ्री इंटू इलेवन माइनस थ्री वन ट्वेंटी फाइव थ्री इंटू इलेवन थर्टी थ्री माइनस थ्री यहाँ से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना है सारे ऑप्शन को हमें चेक करके देखना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है वन बाय वन हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन अपना दिया गया है अब यहाँ हर एक का मीनिंग दिया गया है तो पहले 12 2 3 8 1 12 इसको हमने ऐसे ही लिख लिया अब माइनस का क्या मतलब है माइनस का मतलब है डिवीजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जहाँ माइनस लिखा है वहाँ हम डिवीजन लिख देंगे प्लस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन तो जहां प्लस है वहां मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो डिफरेंस को डिनोट करता है तो डिवीजन के जगह पे डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन एडिशन को रिप्रेजेंट करता है तो मल्टीप्लीकेशन की जगह पर एडिशन और ये ग्रेटर दैन साइन जो है वो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने अब हम बॉडमास का यूज करके देख लेंगे कि ये सही है एक्सप्रेशन या नहीं क्या होता है ये हमें ऑर्डर बताता है किस ऑर्डर में हम इवेलुए करते हैं एक्सप्रेशन को को पहले ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं फिर ऑफ तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो यहाँ ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं है हमें बस ये याद रखना है कि पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एड मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन ये हमारा ऑर्डर होता है

इलेवन इंटू टू डिड बाई फोर माइनस टू प्लस टू इलेवन अब नंबर्स को वैसे ही रहने दिया और जिस साइन का जो मीनिंग है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन का है प्लस डिवीजन का है माइनस माइनस का है डिवीजन और प्लस का है मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू का मीनिंग क्या दिया इक्वल टू रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन तो यहाँ पे ग्रेटर देन अब इसको फिर से इसी ऑर्डर में इवैल्यूएट करके देखते हैं 11 प्लस टू माइनस यहाँ पर डिवीजन था तो पहले इसको ऑपरेट करेंगे फोर डिवाइडेड बाई टू 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 इंटू वन अब 11 प्लस टू माइनस मल्टीप्लीकेशन टू इंटू वन टू अब ये क्या वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 11 प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया और राइट right साइड में क्या है ग्रेटर देन इलेवन तो ये क्या इलेवन ग्रेटर देन इलेवन ये सही है क्या नहीं ग्यारह क्या ग्यारह से बड़ा है नहींवन इज नॉट ग्रेटर देन इलेवन तो ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं हुआ अब ऑप्शन सी चेक करते हैं सेवन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव माइनस फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन नंबर्स में तो कोई चेंज नहीं सेवन टू फाइव फाइव टू और सेवन साइन को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो डिवीजन के जगह पे माइनस मल्टीप्लिकेशन के जगह पे प्लस माइनस के जगह पे डिवीजन, प्लस के जगह पे मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू के जगह पे ग्रेटर देन ये हमारा यहाँ पर दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया अब इवेलुएट करके देखते हैं लेफ्ट साइड में सेवन माइनस टू प्लस यहाँ डिवीजन था फाइव डिवाइडेड बाई फाइव वन वन इंटू टू ग्रेटर देन सेवन अब सेवन माइनस टू प्लस मल्टीप्लीकेशन वन इंटू टू टू अब देखिए माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया सेवन ये भी गलत है सेवन सेवन से बड़ा है क्या नहीं सेवन तो सेवन के बराबर होता है अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं फाइव इंटू सिक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन ग्रेटर देन फोर फाइव सिक्स थ्री थ्री वन फोर साइन को सब्सटीट्यूट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का मतलब दिया है एडिशन माइनस का मतलब है डिवीजन डिवीजन का मतलब है माइनस प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन साइन का मतलब है इक्वल टू यहाँ पे सारा दिया हुआ है मीनिंग इसी के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया अब इवेल्युट करके देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन तब मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन तो फाइव प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री क्या हो गया टू माइनस थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा थ्री फाइव प्लस टू सेवन सेवन माइनस थ्री फोर तो फोर इज इक्वल टू फोर ये सही हो गया तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी तो ऐसे क्वेश्चन में करना हमें कुछ भी नहीं है सिर्फ बॉड मार्स के हेल्प से हमें इवेलुएट करना है पहले हमने जो दिया था ऑप्शन वो लिखा साइन को सब्सटीट्यूट कर दिया जिस साइन का जो मीनिंग है और बॉड मार्स के हेल्प से इवेलुएट करके चेक कर लिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग हो सकता है जैसे हमने ए चेक किया बी चेक किया सी चेक किया तब जाकर डी सही हुआ तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट सिंपल है मूव है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ अ नंबर डिवाइडेड रिमाइंडर फोर्टी सेवन कोई नंबर है उसको जब आप थ्री फोर्टी टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फोर्टी सेवन आता है ठीक है यहां पे फोर्टी सेवन आया कोसेंट नहीं दिया गया जिसको हिंदी में भागफल बोलते हैं तो यहां मान लीजिए कि x है तो अब इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं ये नंबर जो है 342 से डिवाइड किए तो x आया और रिमाइंडर 47 मतलब नंबर थ्री फोर्टी टू इंटू एक्स प्लस फोर्टी सेवन हिंदी में बोलते हैं ना भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोर ये हमारा हिंदी में फॉर्मूला होता है वही इंग्लिश में वैसे ही हमने कर दिया कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे और जो हमारा कोसेंट आया उस दोनों तो को मल्टीप्लाई किए और ये रिमाइंडर आ रहा है तो वो ऐड करना होगा तो ये नंबर हुआ अब इसी नंबर को बोला जा रहा है कि अगर 19 से डिवाइड करते ये नंबर है 342x फोर्टी टू प्लस फोर्टी इसको 19 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा ये पूछा जा रहा है तो आप देखिए कि जब आप इस वाले पार्ट को 19 से डिवाइड करेंगे तो 342 को 19 से जब डिवाइड करेंगे तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहां कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा मतलब जीरो आप डिवाइड करके देख सकते हैं 342 को 19 से डिवाइड करके देखिए 19 वन जा नाइनटीन यहां फाइव आ जाएगा और यहां वन आ जाएगा यहां टू आ जाएगा तो ये नाइनटीन एट जा वन तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया अब 47 को जब आप 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 टू जाट ये 47 है तो 47 सेवन माइनस थर्टी एट आता है रिमाइंडर अब बीच में प्लस का साइन है तो जीरो प्लस नाइन नाइन आ गया आपका आंसर तो जब उस नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नाइन आएगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 11 और 90 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो एक तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमें सेवन का टेबल पता होता है कि सेवन से लेकर के सेवेंटी तक में टेन नंबर्स आते हैं जो सेवन से डिविजिबल है सेवन का टेबल सेवन 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 टू जा फोर्टीन ऐसे करके सेवन टेन जा सेवेंटी लेकिन हमें यहां बोला जा रहा है कि इलेवन और नाइनटी के बीच में तो ये सेवन टू सेवनटी वाला ये सेवन काउंट नहीं होगा सेवन के बाद से जो है फोर्टीन ट्वेंटी वन यहां से लेकर सेवनटी तक में मतलब नाइन ऐसे नंबर आ गए सेवेंटी तक में ठीक है लेकिन ये पूछ रहा है नाइन्टी तक तो सेवनटी के बाद क्या क्या आएगा इसमें सेवन ऐड करते चले जाइए सेवनटी सेवन फिर प्लस सेवन कर दिए तो एट्टी फोर अब एटी फोर में सेवन ऐड करेंगे तो नाइनटी वन आ जाएगा हमसे नाइन्टी से पहले वाला पूछा जा रहा है मतलब दो और यहां पे तो नाइन प्लस टू मतलब टोटल इलेवन ऐसे नंबर्स हैं ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं हमने कैसे किया मैं रिपीट कर देता हूं कि सेवन का जो टेबल है सेवन से सेवेंटी तक उसमें दस नंबर आता है जिसमें से एक नंबर सेवन को हमने हटा दिया क्योंकि क्वेश्चन में इलेवन के बाद वाला ग्यारह के बाद वाला पूछा जा रहा है तो सात तो नहीं इंक्लूड होगा सात के बाद वाला फोर्टीन ट्वेंटी वन ये सब इंक्लूड है तो नाइन नंबर से ऐसे आ गए सेवेंटी तक में अब सेवेंटी के बाद कौन कौन सा नंबर है जो सेवन से डिविजिबल है इसमें सेवन ऐड करते चले जाइए सेवेंटी सेवन फिर सेवन ऐड किया एटी फोर अब एटी फोर में सेवन ऐड करेंगे तो नाइन्टी वन आ जाएगा हमसे नाइन्टी तक ही पूछा गया है तो मतलब दो और आया तो एलेवन ऐसे नंबर्स हैं अब वैसे इसको मैथ्स में ऐसे भी कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हेल्प से वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि इस नंबर्स को आप अगर रफली लिखेंगे तो पहला नंबर फोर्टीन आएगा फिर ट्वेंटी ऐसे करके लास्ट नंबर जो नाइनटी से पहले सेवन से डिविजिबल है वो 84 होता है तो 14 से लेके 84 तक में कितने नंबर्स हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है टर्म का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर जिन लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है उनको ये फॉर्मूला पता होगा नहीं पता है तो आप सीख लीजिए इसका क्या मतलब होता है देखिए ए का मतलब है फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म है फोर्टीन ठीक है डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस क्या डिफरेंस है हमेशा हमेशा सेवन का डिफरेंस आ रहा है फोर्टीन ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी एट आएगा तो डी सेवन हो गया एन टर्म मीन्स ये अपना लास्ट टर्म है हम यही जानना चाहते हैं कि ये एट्टी फोर जो है ये कौन सा टर्म है उतना ही नंबर है 11 से 90 के बीच में तो फोर nth टर्म हो गया a का वैल्यू 14 हो गया n माइनस वन डी का वैल्यू 7, यहाँ से आप n का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए 7 इंटू एन माइनस वन एट्टी फोर माइनस फोर्टीन तो यहाँ से n माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 7, डेट इज 10, तो n का वैल्यू 10 प्लस वन इलेवन मतलब कि इस सीक्वेंस में 11 नंबर्स हैं तो आंसर 11 आ गया मेथड एक्चुअली दिस मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो डायरेक्टली भी आप काउंट कर सकते हैं कभी अगर गैप बढ़ा दे दे तब फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा इसलिए मैंने ये भी मेथड बता दिया कि फॉर्मूला लगा के हम कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस इलेवन का वैल्यू पूछा जा रहा है तो एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस टू बाई थ्री है X के थ्री इंटू टू बाई थ्री माइनस इलेवन नाइन और नाइन कैंसिल थ्री और थ्री कैंसिल तो यहाँ पे फोर यहाँ पे टू माइनस इलेवन तो सिक्स माइनस इलेवन माइनस फाइव आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का